फेमिलिया सग्रादा चर्च, यहाँ से मेरे हॉस्टल से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, ये है सग्रादा फेमिलिया। अभी मैं बार्सिलोना का फेमस बीच में हूँ, बार्सिलोना का बीच में। ये देखिए, आपको तरह तरह का यहाँ पर एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले जगह में स्विमिंग करना मना है, फिशिंग करना भी मना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू वैलेंसिया टू बार्सिलोना बाय बस। वैलेंसिया से बार्सिलोना का डिस्टेंस बाय रोड अराउंड 350 किलोमीटर है और लगभग 4 आवर्स की जर्नी है। मैं अर्ली मॉर्निंग बस लिया वैलेंसिया एस्टासियन ऑटो बसेस से बार्सिलोना नॉर्ड बस स्टेशन तक। बार्सिलोना का नॉर्ड बस स्टेशन सिटी के बीचों बीच है, तो अगर आप लोग कभी भी बार्सिलोना के लिए बस लेते हैं तो नॉर्ड बस स्टेशन सबसे बेस्ट प्लेस है। इसका टिकट प्राइस मुझे इंडियन रुपीस में 2000 लगा और मैंने ये टिकट ओमियो बोलकर एक ऐप है वहाँ से बुक किया था। आप लोग भी ये ऐप चेक कर सकते हैं, इसमें यूरोप का रेलवे फ्लाइट और बस सारी चीज़ें शो करती है। जो भी कन्वीनियंट लगे आप लोगों को वो बुक कर सकते हैं। ये जो मेरा जर्नी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल था। वैलेंसिया से बार्सिलोना का रोड बहुत ही अच्छा था। 350 किलोमीटर की जर्नी ओनली 4 आवर्स में कंप्लीट होना, इसका मतलब क्लियर है कि बस की स्पीड भी अच्छी थी, अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर। और सबसे खास बात, यूरोप का ब्यूटी का क्या ही कहना, बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखते देखते कब 4 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, और देखते देखते वैलेंसिया से बार्सिलोना आ गया। से मैं अपने होटल जाऊंगा। वैलेंसिया से बार्सिलोना टोटल 4 आवर्स की जर्नी थी, जस्ट अभी मैं पहुंचा हूं बार्सिलोना बस स्टेशन पे। अब यहां से मैं होटल की तरफ जाऊंगा। यहां से मेरा होटल ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1.5 किलोमीटर है बाई वॉक, और मैं इजीली जा सकता हूं यहां से। तो फिर चलिए चलते हैं। ये है बार्सिलोना का नॉर्ड बस स्टेशन। ये कुछ ऐसा व्यू है मेरे हॉस्टल से जहाँ मैं 2 दिन रुकूंगा। ये हॉस्टल का नाम यूनाइट हॉस्टल बार्सिलोना है। हेलो ऑल, जस्ट मैंने होटल में चेक इन किया और फ्रेश होके निकला हूँ अभी। बार्सिलोना का जो सबसे फेमस प्लेस है, जो एक चर्च है यहाँ पे, और उसका नाम है फेमिलिया सग्रादा। ये चर्च ऐसे ही बहुत न्यूज़ में रहता है, फेमिलिया सग्रादा चर्च। यहाँ से मेरे हॉस्टल से 2.5 किलोमीटर दूर है, और ये चर्च एक बहुत ही फेमस चर्च है। मीन्स ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, मतलब आप सोच सकते हो कि ये जब से बना है तब से इसका कंस्ट्रक्शन काम चालू ही है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है अभी भी। वैसे बार्सिलोना कैटलोनिया के नाम के जरिए बहुत फेमस है, और ये जो चर्च है फेमिलिया सग्रादा, ये चर्च मतलब आप बोल सकते हो कि दुनिया का सबसे अनफिनिश्ड चर्च में से है। हिंस अभी भी उनका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और ये चर्च एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आप कह सकते हो कि बार्सिलोना का सबसे फेमस प्लेस अगर है तो ये चर्च है, और उसके बाद भी और भी जगहें हैं। तो फर्स्ट हम चर्च चलते हैं, फेमिलिया सग्रादा चलते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप। यहाँ से फेमिलिया सग्रादा दिखाई मिल रहा है, आप देख सकते हो चर्च के ऊपर कंस्ट्रक्शन का
काम चल रहे हैं। ये देखिए, ये है सग्रादा फैमिलिया। सग्रादा फैमिली के लिए यहाँ के लिए एंट्रेंस है। और ये देखिए, ये देखिए सग्रादा फैमिली के लिए जो टिकट्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। ये क्लियरली दे मेंशन्ड बाय टिकट्स ऑनलाइन ओनली। ये एंट्रेंस गेट है इनका, तीन चार एंट्रेंस गेट है। तो मैं एंट्रेंस गेट पे अभी गया था और एंट्रेंस गेट में जो गार्ड है जो एंट्रेंस दे रहा है, मैं उनसे पूछा कि कैसे एंट्री मिलेगा। तो देन ही सेड, वो बोले कि आपको ऑनलाइन टिकट्स लेना पड़ेगा और आज के लिए तो टिकट ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो मैं आज ऑनलाइन टिकट्स नहीं ले सकता हूँ। और ऑनलाइन टिकट्स का जो प्राइस है, ये प्राइस है 26 यूरो पर पर्सन। अभी मैं बार्सिलोना का फेमस बीच में हूँ, बार्सिलोना का बीच में। और बार्सिलोना का बीच बहुत फेमस है, बार्सिलोना का बहुत सारे बीचेस हैं बार्सिलोना में, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन बार्सिलोना। यहाँ आप देख सकते हैं बीच के सैंड में बैठने के लिए, ये सब आप ले सकते हैं। पता नहीं ये कितने का दे रहा है, ये देखिए, ये एक चद्दर टाइप का है, ये चद्दर है एक्चुअली, रंग बिरंगी चद्दर है, आप ले सकते हैं। आप समुद्र से अगर नहा कर आ रहे हो तो यहाँ पर फिर से नहा सकते हो, ये सावर जैसे बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, आपको तरह तरह का यहाँ पर एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा। वो वेट खींच खींच के लेके जा रहा है वो पर्सन। दिस इज द ओपन जिम। ये वाला छोटा सा है, ये एक्चुअली बच्चों के लिए बनाया गया है। इस वाले जगह में स्विमिंग करना मना है, फिशिंग करना भी मना है, आप देख सकते हो। ये एक थोड़ा से पत्थर वाला एरिया है, मीन्स यहाँ पे वो सैंड नहीं है, वो बीच नहीं है प्रॉपर, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर मना किया गया है। देखते हैं क्या है एंड तक, देखते हैं एंड से, देखते हैं कैसा लगता है वहाँ से। ये जो आपको दिखाई मिल रहा है ये डब्लू होटल है और ये पूरा आपको बार्सिलोना का बीच का जो एरिया है वो दिखाई मिल जाएगा। बीच के जगह जगह पे ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्मोक फ्री बीच है, यहाँ पर आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। ये जो बीच है ये टोटली स्मोक फ्री बीच है, यहाँ पर आपको
हर जगह बैनर में स्मोक फ्री बीच लिखा रहेगा। यह है पूरा बीच एरिया। अभी मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम है अभी शायद, इसलिए सारे प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। कुछ कुछ वीडियो मैंने बनाया है वॉलीबॉल का भी, आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए बीच वॉली। इस बीच में अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे वॉलीबॉल कोर्ट आपको मिल जाएंगे, और हर वॉलीबॉल कोर्ट में 6-7 प्लेयर मिलके खेल रहे हैं। देखिए आप पूरे देख सकते हैं कितने सारे वॉलीबॉल के कोर्ट हैं बनाए हुए। ये देखिए कोस्टल एरिया पूरा मेडिटेरियन सी है। बार्सिलोना बीच भी मेडिटेरियन सी में ही है। वैलेंसिया का जो बीच है वो भी मेडिटेरियन सी है। अगर आप जियोग्राफिकल मैप देखो, स्पेन को देखो अगर मैप है, तो आपको पूरा क्लियरली दिख जाएगा कि जहाँ मेडिटेरियन सी है वहीं पे स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। पूरा मेडिटेरियन सी है। बार्सिलोना का जो बीच है वो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे वैलेंसिया के बीच से ज़्यादा अच्छा लगा। आपको बार्सिलोना का बीच में ज़्यादा मज़ा आएगा। वैलेंसिया का बीच मतलब ठीक है। और बीच के साइड पे ये रास्ता है चलने की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया इस बीच को। आपको सारी चीज़ के फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाएगी इस बीच में। Por ese cuerpo y esa promesa, eso es.